Hi, so you watch the video, welcome back to our channel and we are back with another banger video. So guys, आज हम react करने वाले stand-up comedy पे and आप मेरे को बताओ आपका favorite stand-up comedian कौन है? One of my favorite is जिसको मैं highly rank करता हूँ वो है अनुभव बस्सी and बस्ती भाई I love you and हर्ष गुजराल I love him too. मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, आकाश भी बहुत अच्छे हैं, excuse me सरोज नहीं वाले brother वो भी बहुत amazing है. आप भी comment section में अपना favorite stand-up comedian बताओ. तो time waste नहीं करते, चलो stand-up comedies देखते और बताएंगे video के end में कि हमारा फेवरेट कौन सा पार्ट था और तुम भी बताना तुम्हारा फेवरेट कौन सा था. तो लेट्स गो. आपकी तीन जोड़ों, आपकी एक भी बहन, आपके ऊपर प्रेशर होता है. एक भी बहन हो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बचपन में 1 रुपया मांगता था चिंगम खाने के लिए. मेरी माँ कहती थी, हर्ष बेटा बहनों की शादी करनी बेटा. पैसे बचाओ, दहेज इकट्ठा करना है. और मैं सोचता था ये कौन से लड़के वाले हैं जो दहेज में बूम बूम बूमर मांग रहे. ये कौन सा दूल्हा है जो मेरी बहन को हेल्प लेने के चक्कर में रिजेक्ट कर जा रहा है? कौन है ये? ये एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में भी जिसकी भी बड़ी बहन होगी उनको पता होगा. मतलब हमारे को भी स्टार्टिंग बचपन में ऐसे ही बोलते थे पापा, प्रेरणा दीदी की शादी करनी है, पैसा बचाऊंगा. कौन सा दूल्हा है जो हेल्प लेने के लिए मेरी बहन को रिजेक्ट कर रहा है? रिसेंटली मैं अपने क्लिनिक में बैठा हुआ था और इतनी देर में एक पेशेंट आया हरियाणवी 6-7 फुट का, मुझे देखा और बोलता, चल बे छोटू डॉक्टर ने बुला दे. अंकल ने इतने जोश से बोला, मैं चल भी दिया था. वो तो मुझे रास्ते में याद आया, मैं अंकल मैं ही डॉक्टर हूँ. अंकल एम्बेरस फील कर गए. अंकल ने जेब से एक डब्बी निकाली, टेबल पे रखी, बोलते इसने खा लिया लंबा भी हो जाएगा. पाजी डॉक्टर मैं, क्लिनिक मेरा, दवाई पेशेंट रख रहा है. ये ऐसे किसी साथ हो तो कितना मजेदार होगा ना. इससे वो वाला सीन याद आता है जब संजय दत्त जो होते हैं संजू भाई अपने एकदम से, कौन सी मूवी थी वो, खुद ही जवाब, मुन्ना भाई MBBS, मैं कह यार तो खुद ही खेल ले. जिसमें वो उसमें चलते हैं, हॉल में जाते हैं, एंट्री लेते हैं और एकदम सर खड़े थे, गुड मॉर्निंग सर, कह रहा नहीं भाई मैं सर नहीं हूँ, मैं तो खुद पढ़ने आया हूँ. वो सीन याद आया. नाइस. नेक्स्ट. Are you from Bangalore? हर्ष भाई आ रहे हैं भाई back to back. He's on top, like अपने प्राइम पे चल रहे हैं वो. सबसे वाहियात जगह है भाई. आंटी जी बैंगलोर में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ना 1 घंटा दिखाता है. मैं बैठा रह गया गूगल मैप्स खोल पे. वो औरत जो बोलती है ना वो मुझसे बातें करने लगी. मुझसे कह रही भैया आप मुझे दिल्ली ले चलोगे? कुछ भी. मैंने कहा क्यों? कह रही यहाँ मेरा दम घुटता है. मैंने कहा वहां गुड़गांव है, वहां तो गला घोट देंगे. 5 बजे के बाद जो गुड़गांव से दिल्ली में जाम लगता है कभी मत जाना. आई रिकमेंड, हाईली रिकमेंड. 5 बजते ही जो वो हाईवे एमबिन्स मॉल वाला जाम पकड़ता है ना, बैंगलोर छोड़ो, मेरे को सबसे बुरा ट्रैफिक मुंबई का लगता था. बट 2-3 बार मैं गुड़गांव में जो फंसा ना, मैंने कहा नहीं भाई अब तो नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट. मोहित भाई कहती नो. मैंने कहा पर आ रही है. कहती पिछले पीरियड में क्यों नहीं गए? पिछले पीरियड में नहीं आ रही. सही बात है. तुम पूरे दिन का सुबह मूत लेती हो. तो वो बोली कॉल योर पेरेंट्स. मेरा मूत निकल गया. ये जेन्युइन अच्छा था, पार्ट ऑफ द बेस्ट था ये. कोई टीचर वैसे जेन्युइन कैसे पूछ सकती है कि नो क्यों आ रहा है वॉशरूम? अबे क्यों आ रहा है, क्या जवाब दूं? आ रहा है भाई, अब मैंने डाइपर कोई पहन रखा है जो पैंट में निकल जाएगा. नेक्स्ट. मैं खतरों के खिलाड़ी भी नहीं जा पाया. मुनावर भाई ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो गया था, सब कुछ इंटरव्यू चल रहे. पहला एपिसोड है, फैन तो बड़े एक्साइटेड थे ना. पहला एपिसोड है, बोले भाई आप कहाँ हो? केप टाउन साउथ अफ्रीका. बोले भाई आप नहीं हो खतरों के खिलाड़ी, फैसल भी है. फैजू. अरे फैजू भी आप नहीं हो? मेरा कलर्स वालों का मेल आया, उन्होंने लिखा एक शो पे एक ही छपरी चाहिए. नेक्स्ट ईयर खतरों के खिलाड़ी कुर्ला में शूट करो, मैं आ रहा हूं. मुनावर भाई की एनर्जी मतलब सच में नेक्स्ट लेवल है. नेक्स्ट भाई. ड्रग्स करने भी नहीं चाहिए क्योंकि आई हैव नोटिस ड्रग्स से क्या होता है, तुम चीजें भूलने लग जाते हो. जैसे मेरा एक दोस्त है. भूल गया भाई. मेरा एक दोस्त है विवेक, मैं उसके रूम में गया, वो लाइटर से माचिस जला रहा था.
लाइटर से माचिस जला रहा था। ओके मैंने बोला क्या कर रहा है, बोलता है नशे। मैंने बोला वो दिख रहा है मेरे को, व्हाट इज दिस प्रोसेस, ही इज लाइक नशे। एंड इफ यू हैव नोटिस दिस हैपेंस विद ड्रग एडिक्ट्स, यू नो दे कीप रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। जैसे मेरा एक दोस्त है विवेक, मैं उसके रूम में गया, वो लाइटर से माचिस जला रहा है। नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन। ये वैसे समय भाई थे ना, मतलब बीच में शक्ल थोड़ी फ्लिप लगी मेरे को, ऐसा लगा है भी नहीं भी है, क्योंकि अब थोड़े डिफरेंट लगते हैं इनसे, यहाँ फिट लग रहे थोड़े, कुछ तो लफड़ा है। कॉमेंट में बताओ गाइस। नेक्स्ट हर्ष भाई बैक। नहीं नहीं आप बताओ मुझे क्या हुआ। हरियाणा से फटती बहुत है। मेरा तो गुड़गांव में एक्सीडेंट होता है, मैं हरियाणी बोली चालू कर देता हूँ। ये कर रहा भाई, वो दो चाटे मारता है, एक तो एक्सीडेंट किया, ऊपर से गलत बोल रहा है। हरियाणा वाले भाई हमारे ऐसे ही हैं, गुस्से में रहते भाई। हो आप लोग ठीक हो? ये अंग्रेजी कहाँ से निकले तुम्हारे चक्कर में? हम हरियाणवी बोल लेते थे, हमारे माँ बाप शिफ्ट में गुड़गांव को बोलना शुरू हो गए। पहले तो मम्मी हिंदी में बात करती थी, अब यही शुरू हो गई है हरियाणवी भाषा, क्योंकि फटी रहती है उनकी। पापा दूध बोल रहे, तुमसे दूध बोल के गिर गया, मम्मी ने इतनी तेज घूरा पास आई, पापा की फट गई, फिर मम्मी गिरी, कोई बात नहीं तू तो अपना भाई है। भाई ठीक हो ना तू? तूने चाटा वाटा नहीं मारा? ना ना, कहा सीधे बंदूक गोली मारी। भाई ये ना वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस है, क्योंकि ना एक कांस्टेंट स्माइल है 24/7 मेरे फेस पे, क्योंकि सारे इतने फनी है। आकाश भाई लेट्स गो जूनियर कॉलेज। तुम दोनों काफी यंग लग रहे हो वैसे। स्कूल में हो? कॉलेज। फर्स्ट ईयर? सेकंड ईयर। अब पढ़ रहे हो? कॉमर्स। अच्छा मतलब बी कॉम? नहीं। अच्छा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बी कॉम बोलते हैं, यहाँ लोग कॉमर्स बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता। व्हाट इज योर डिग्री कोर्स? दैट इज आफ्टर 12th। अभी तो यूर इन 12th, तो जब मैंने बोला स्कूल में है, 12th में कॉलेज, बड़ा आया अमेरिका साला, है हाई स्कूल साला, बोर्ड दिए नहीं है अभी, बेल्टे पढ़ती होंगी इसको अभी। आई इन कॉलेज। वैसे ये कौन सा कॉलेज है 12th वाला? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता भाई, किस किस के वहाँ पर 11th 12th को कॉलेज बोलते हैं, आई डोंट नो भाई, ऐसा तो नहीं होता। सब लोग सारे कॉमेडियंस जो है ना ज्यादातर हिंदी कमेंट्री के ऊपर जोक करते हैं कि हिंदी कमेंट्री वाले कुछ भी बोल देते हैं, पर इंग्लिश कमेंट्री वाले भी ठीक नहीं है। मैं एक मैच देख रहा था, उसमें बॉलर ने बॉल डाली और एक प्लेयर को ना यहाँ पे लगी, बैट्समैन को यहाँ पे लगी, ठीक है, तो इंग्लिश कमेंटेटर पता है क्या बोलता है? ओनली वन बॉल लेफ्ट। Thanks for listening, man. Nice. Yeah, I give this 100/100. This one was best till date. मेरा एक दोस्त है, उसका नाम actually यहाँ पे दिल्ली में देखोगे ना नाम बड़े fancy fancy है। मेरा एक दोस्त है, हैं उसके बाप ने उसका नाम दीमक रखा हुआ है। मैंने कहा अंकल ये कैसा नाम हुआ? कह रहा बेटा आपको नहीं पता, जब से पैदा हुआ है खा रहा है हमको। Oh my God, पापा आप तो नहीं थे। ऐसी बात पापा बोल सकते। दिल्ली आया हुआ था तो इनको ना स्कूल में नई चीज सिखाई थी कि शाम को जब पापा लोग घर आते हैं ना, पापा को विश करना चाहिए, पापा को अच्छा लगता है, दे फील वैल्यूड, दे फील रिस्पेक्टेड। कहता आज मैं ये करूंगा देखियो। मैं कहा फायदा? कहता 10 रुपए मिलेंगे। मैं कहा देख सेम खून सेम DNA चाचा मेरा ही है, मुझे कोई उम्मीद नहीं पैसे मिलेंगे। कहता तू देखियो आज होता क्या। चाचा जी आए, चाचा जी ने बाइक लगाया, भागता हुआ गया गोली की स्पीड पे। कहता पापा सत श्री अकाल, कैसा रहा आपका दिन? 10-10 रुपए दोनों बच्चों को, जाओ बेटा चॉकलेट खाओ। मैं कहा माई ये तो स्कीम ही बहुत बढ़िया है। मेरा दिमाग फट गया, मैं कहा मैंने करना है ये। मैं वापस आया अमृतसर, पापा आए, पापा ने स्कूटर लगाया, मैं भागता हुआ गया हूँ गोली की स्पीड पे। मैं कहा पापा सत श्री अकाल, कैसा रहा आपका दिन? पापा ने गर्दन से पकड़ा पीठ पे कहूनी, कहने तू फिर फेल हो गया। मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। You know that? Very good, बेटा। शाबाश। मैं पे वाशी में था तो मैंने एक ऑटो वाले को बोला कि अंधेरी चलोगे क्या? मुनावर तो भाई। तो मतलब ऐसे कैसे नहीं चलेगा? सब में भाई इतने क्यूट फेस बना के बैठे हुए। Obviously that was scripted, but nice dress. तो मेरे दोस्त कहते चल चल तेरे को ना हम पान खिलाते हैं। फायर पान? नॉर्मल पान नहीं है। हाँ मैं घर से याद करके आया हूँ ना।
मुझे सुनाने दो, क्विज नहीं चल रही है जो गैस कर रहे हैं। फायर पान, इससे पहले गैस कर दिया, अब क्या करेगा फायर पान? हंसने का तरीका बहुत बढ़िया है। मैंने गैस किया, कहाँ है मेरा बॉर्नविटा क्विज हैम्पर? फायर पान। मैं आइस पान की बात कर रहा था जी। Alright guys, that's it for today's video. Video अच्छी लगी तो video like करना, channel को subscribe करना, और बताना आपका favorite stand-up comedian वाला part कौन सा है? I like that one, ball वाला left वाला. But अनुभव भाई, बसी भाई की कोई भी वो नहीं आई. I feel sad. But video को like करना, part 2 जरूर आएगा. मिलते हैं अगली video में. Thanks for watching. Bye.